मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से प्रदेश के मतदान केंद्रों की स्थिति का जायजा लिया। आज सुबह से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मतदान की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में 12,828 मतदान केंद्रों पर सुबह 11 बजे तक 28.15% मतदान हुआ है। संसदीय क्षेत्र के हिसाब से समझें तो टीकमगढ़ में 26.96%, दमोह में 26.84%, खजुराहो में 28.14%, सतना में 30.23%, रीवा में 24.64% और होशंगाबाद में 40% मतदान हुआ। वहीं मतदान प्रारंभ होने के बाद 14 BU, 12 CU, 22 VVPAT बदले जा चुके हैं। कॉल के दौरान जो कुछ बदले गए मशीनें, उसका डिटेल ये है कि 51 BU, 70 CU और 88 VVPAT ये मॉक पोल के दौरान बदले गए। मतदान प्रारंभ होने के पश्चात 14 BU, 12 CU और 22 VVPAT ये बदलने की कार्रवाई की गई। कल जो सीजर हुआ है या जो पुलिस कार्रवाई में या तमाम एजेंसीज की कार्रवाई में जो जब्ती हुई है वो 1,27,00,000 के मूल्य के बराबर है, जिसमें शराब है करीब 27,000 लीटर 30,00,000 रुपए की। अब सोने चांदी के जेवरात वगैरह हैं 77,00,000 के और अन्य सामग्री है 19-20,00,000 की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।